बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। व्यूअर्स, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और हर बड़ी और बुरी बीमारियों से सबको महफूज रखे, आमीन। व्यूअर्स, ईद के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइन लेकर आई हूँ मेहंदी के, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोगों ने जिसने भी मेहंदी के डिज़ाइन लगवाने हो, फ्रंट्स पर, बैक पर, आप हैवी लगवाना चाहती हैं, सिंपल लगवाना चाहती हैं, फिंगर्स पर, फुल हैंड पर, हर तरह के मैंने इसमें डिज़ाइन ऐड किए हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को हमारी एक ही वीडियो से बहुत सारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल सकें। अब आप व्यूवर्स देखें, अगर आप लोगों ने ख़ुद मेहंदी लगानी है, अगर आप लोगों को ख़ुद से मेहंदी लगाने आती है, तो आप इस तरह के डिज़ाइन ख़ुद देख कर ईज़िली लगा सकेंगे। अगर आपको नहीं लगाने आती है तो आप पार्लर जाएंगी, पार्लर में आप लोग ये डिज़ाइन दिखा कर ईजीली इस तरह के मेहंदी के डिज़ाइन लगवा सकती हैं। आजकल मेहंदी बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली आई हुई है, तो प्लीज़ इतना ध्यान मत दीजिएगा कि मेहंदी लगाई और लगा के रखी हाथ नहीं धोए, उससे ये होगा कि आपके हाथों पे एलर्जी होने का बहुत ज़्यादा जो है खर्चा है। आप कोशिश करें कि जो भी केमिकल्स वाली मेहंदी है, जो अर्जेंट मेहंदी के नाम से जो भी मेहंदी आ रही है, आप उसको लगाएं, लेकिन आप उससे जो है अपने हाथों को जल्दी से धो लें। उससे ये होगा कि मेहंदी का कलर तो आ जाएगा लेकिन एलर्जी नहीं होगी आपके हाथों पे। इतनी सी बातों का अगर आप एहतियात करेंगे तो आपके हाथों पर मेहंदी का कलर भी अच्छा आएगा और आप एक बड़ी परेशानी से भी बच जाएंगी। अब आप ये देखें, आपने फुल हैंड पर अपने मेहंदी लगवानी है या आपने सिर्फ फिंगर्स पर लगवानी है, या आप बेल बनवाना चाह रही हैं या हैवी ब्राइडल की तरह लगवाना चाह रही हैं, हर तरह की आपको इसमें मेहंदी के डिज़ाइन मिलेंगे। आप चाहें तो अपने जो नेल्स हैं, नेल पेंट, आप अपने मेहंदी के जो कलर थे उसके साथ का भी मिलता जुलता लगा सकती हैं, या अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग का लगा सकती हैं। उससे ये होता है कि और भी खूबसूरत आपके हाथ लगते हैं। यकीनन आप लोग कोई ना कोई अपने हाथों और पाँव पर जो है मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह करवा रहे होंगे, तो इन दिनों में अगर आप अपने हाथों पर लीमू के साथ चीनी में मिक्स करके थोड़ा सा रब करें कोई 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप अपने हाथों को हल्के से नीम गर्म पानी से धोएं, तो आप देखिएगा कि आपके हाथ और पाँव बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए बताएं कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप लोगों को इसी तरह के और भी बहुत ज़बरदस्त मेहंदी के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिलेंगे फैशन से रिलेटेड कि आजकल फैशन में क्या चीज़ इन है। तो व्यूअर्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ और एक बहुत ही अच्छे आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग, हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।